जब मोदी जी के सरकार सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, नहीं हुआ रे, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सब कुछ कर दिया, बस कर दिया। हुआ कहाँ? कितना पढ़े लिखे हो? कितना पढ़े लिखे हो तुम? कितना पढ़े? हम तो बीए कर रखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो जॉब कर रहे थे, अभी काम से गए थे, बैंक गए थे, जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? जो अभी कचड़े में जो अब तो यहाँ करता हूँ। देखो ना, महंगाई कुछ नहीं बड़ी, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है, मैं कुछ नहीं बड़ी, नहीं बड़ी है, नहीं बड़ी है, मैं बड़ी नहीं। 80 करोड़ एक राशन कार्ड था, वो भी खत्म हो गया। कौन सा राशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अब मेरे सामने बात कर रहे हो, अभी खुश नहीं है जनता? नहीं, कहा मोदी जी अच्छे दिन लेकर आए, कहाँ से वो अच्छे दिन? अच्छे दिन जब जनता खुश रहे तो सरकार कहाँ से खुश रहेगा? जो आम आदमी है वो तो काफी परेशान है। आजाद हुआ था कांग्रेस राज में, जब कांग्रेस की राज आई थी तो कौन से हॉस्पिटल थे, कौन से एयरप्लेन थे और कौन से ट्रेन चल रही थी, क्या चल रही थी, सब धीरे धीरे उसी ने तो करा। उज्ज्वला योजना का फॉर्म है, आवास का फॉर्म है, भरा घंटा भरा इन्होंने, क्या भरा था? घर पे आए, सरकार नौकरी दे, लुगाई दे, बच्चे भी सरकारी दे दे, सब कुछ सरकार दे दे इन लोगों को। तो गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच में हैं। ज़्यादातर ये जानने की कोशिश करेंगे, महंगाई, बेरोज़गारी इस सरकार में क्या ये मुद्दा है, और ऐसे में जब हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, लोगों के जहन में क्या मुद्दे हैं, इन पर हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक वर्मा। क्या लगता है अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है उनके कामकाज से आप कितना खुश हैं? कामकाज का तो ऐसा है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है जी, बाकी राम को मंदिर का मुद्दा उनके तो जो काम किया अच्छा किया है, अच्छा वो तो बहुत बढ़िया किया है। उनके आगे कोई ऐसा प्रधानमंत्री आदमी नहीं है अच्छा। जो कि टिक पाए अच्छा। हाँ, तो इसलिए तो प्रधानमंत्री है वो तो मोदी जी ही आएंगे, 24 में मोदी जी आएंगे बिल्कुल। जो विपक्ष जो ये गठबंधन कर रहा है, सब लोग एक साथ आ रहे हैं। हाँ, जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इनका आदमी ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए, इनके पास आदमी ही नहीं है कोई भी अच्छा। हाँ, जो मोदी जी ने काम किया है उन्होंने अच्छे काम किए हैं। फिर महंगाई और बेरोजगारी कैसे है थे? मैं महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, सोचते समझ नहीं आ रही हमारे को। महंगाई पर अगर काबू पा लेते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाता। और पर आपके लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या है, आप क्या ध्यान में रखकर वोट करेंगे, ये मेरा सवाल है कि मेन मतलब... मुद्दा तो महंगाई का ही है। अब महंगाई तो है तो फिर भी वोट मोदी जी को? नहीं, वो तो ऐसा है कि काम अच्छा किया है, बाकी और एक बात, मोदी को वोट इसलिए देंगे कि और आदमी नहीं है और कोई प्रधानमंत्री तो उनकी टक्कर पे कोई है नहीं। हाँ, टक्कर पे कोई नहीं है, बाकी महंगाई का कर लेते तो बहुत अच्छा। आपकी नज़र में कुछ ऐसे काम बताइए जो बहुत बेहतर हुए आपके हिसाब से कि ये सबसे ऊपर है? आप घर को मत देखो, देश को देखो ना। देश में ऐसा है कि देश के लिए जिन्होंने मैं तो काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं जो कर, एक दो काम बता दीजिए। G20 कौन लाया? हाँ, ये G20 हो गया, जो जिन्होंने बाहर मुल्कों में जाकर के काम किया है तो अच्छे काम किए हैं, रिलेशन काफी अच्छे बढ़ाए हैं इन्होंने अच्छा। आप घर को मत देखो ना, आप पूरे देश को देखो क्या हो रहा है, देश में क्या क्या हो रहा है। आप अपने घर के देखो, हमारे घर में आज को नई बाइकें नहीं आ रही, आज नई गाड़ी नहीं आ रही है, सब पैसा है। महंगाई कहाँ से आई है? महंगाई कौन सी है बताओ? ये गाजर क्या रेट है यहाँ पर? बाहर जाके बिकती है ना, मोदी तो नहीं बेच रहे ना, मोदी क्या कर रहा है इस टाइम? मोदी देश को सुवार रहा है। पर जब उस वक्त में प्रधानमंत्री महंगाई की बात करते थे, दूसरे प्रधानमंत्रियों को टोकते थे, तो क्या फिर प्रधानमंत्री गलत बात करते थे कि सरकार के हाथ में महंगाई? सर, वो पब्लिक, जो पब्लिक बोलती है ना वो अपने स्वार्थ के लिए बोलती है। आप हम, मैं अपने घर को नहीं देखूंगा, मैं देश को देखूंगा, देश में क्या हो रहा है इस टाइम। देश बहुत अच्छा आगे जा चुका है, इस टाइम 3rd नंबर देश है, पहले कौन सा नंबर था? 10th नंबर पे। आज देखे ना कहाँ पर है ये देश, आज जो हाईवे बन रहे हैं पहले बने थे ये, कितने मॉल बन रहे हैं। कांग्रेस राज में 25% हिस्सा था कांग्रेस का मॉलों के अंदर, कमीशन थी इनकी, आज क्या है? पर ये विपक्ष वाले मुद्दा उठाते हैं कि इस सरकार में न बेटियां सुरक्षित हैं, तमाम बलात्कार के आरोप में इनके नेता घिरे हुए हैं। वो तो पहले से कम हो गया ना इस टाइम सर, पहले से, पहले कितना था, कितना है? कोई ना सुरक्षा वाला है और ना कोई सही साठ है, कोई प्रधानमंत्री सही ना है अच्छा। और क्या, ये ऐसे दुनिया के देखावटी में कहीं 5 दिन बंद हो जाता, कोई 6 दिन बंद हो जाता है, कहीं कुछ महंगा हो गया,
तीन चार दिन बंद हो गए हैं, 30 रुपया किलो गली में आलू देना शुरू कर दिए, और चावल पे देख लो उस दिन चावल पे 10 रुपया बढ़ा दिए थे आटे पे चावल पे, वही रेट आज बिकना शुरू हो गए 5-6 दिन के बाद में, वही रेट बिकना शुरू हो गए। अब जब ट्रक आने लगे तो कम होना चाहिए ना होना चाहिए, अब आपके हिसाब से सही है सरकार ये कि गलत काम की? अरे कुछ भी नहीं, सरकार सही है, सरकार सही जनता के लिए होती है ना, दूसरे के लिए थोड़ी ना होता है। जब जनता खुश ना है तो सरकार कहाँ से खुश रहेगा? खुश है भाई, बहुत ज्यादा खुश है, हम तो खुश है, वो खुश है भाई, उनके पास पैसे है वो खुश है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, बोनी भी ना है भाई, एक बात सुनो, ये जगह बढ़िया होगा जब ही तो सही रहेगा। गाड़ी कौन सी? कारोबार का सवाल है, गाड़ी कौन सी है? सरकार कोई भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप भी हो जाओ ये भी हो जाए, सरकार से हमें कोई नहीं मतलब है। सर गाड़ी कौन सी आपके पास? ये है, ये बोलेरो है, ये बोलेरो इनके पास गाड़ी खड़ी है। कितनी गाड़ी है आज? 15-20 लाख की गाड़ी है। जैकेट इन्होंने 1000 रुपए की जैकेट डाली है, शर्ट जी देखो 100 रुपए की जैकेट लिया वो फटी हुए यार, 100 रुपए की जैकेट लिया हूँ चोर बाजार से या ठेली पे लिया हूँ सर। वो जैसे अभी ठीक है उनके कपड़े वो जैसे भी पहने, इनका सवाल ये है कि आम नागरिकों को जो है, और कोई चीज नहीं, चावल के ऊपर बात कर रहे हो ना सर? हाँ तो वही चावल, महंगाई की ये बात कर रहे हैं, महंगाई क्यों है? चावल चावल के ऊपर बात की है, हमें नहीं पता, हमें राशन दे रहे हैं ना फ्री में, राशन दे तो रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं राशन? 80 करोड़ एक राशन कार्ड था वो भी खत्म हो गया, कौन सा राशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अब मेरे सामने बात कर रहे हो, एक राशन कार्ड भी था वो भी खत्म करवा दिया, वो कह रहे अब तक लगातार फ्री में राशन मिल रहा है। अरे कहीं नहीं मिल रहा है, वो जहाँ दे रहे होंगे 2-4, इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में नहीं मिल रहा था ये राशन, राशन कार्ड नहीं था किसी के पास में, और कॉलोनी नहीं मिल रही थी, इंदिरावास नहीं मिल रहा था, वही तो है अभी चल रहा है, कौन सा नया कानून ले आया है कि जो मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड बन रहे जो है, आयुष्मान कार्ड वो बन ही तो रहा है, 80 रुपया महीने जा रहा है, पता नहीं हम 60 साल के पहले मर जाऊंगा मैं, 30 साल की उम्र में आया मैं, 55 साल का लग रहा हूँ, पहले ही मर जाऊंगा मैं 60 साल से पहले, और 80 रुपया रोज हर महीने ले रहे हैं, वो भी तो मैंने बनवा के देख ले, कोई चीज जो योजना आया सब बनवाया, कुछ नहीं मिल रहा है। एक बात सुनो, अपने घर को आप, एक सेकंड सर, अपने घर में आप व्हाइट वॉश करवाते हैं कितना टाइम लगता है आपको? 200 गज का मकान आपका व्हाइट वॉश करवाते हो तो कितना टाइम लगेगा? अरे 50 गज का भी मकान नहीं, एक बिस्वा जमीन भी ना है, कह रहे कॉलोनी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तीन बच्चे हैं पढ़ाने के लिए बता रहे थे कि स्कूल भी फ्री है, ये भी बता दिया कि स्कूल भी फ्री है, 6ठे क्लास से मेरे बच्चे दोनों निकले, अब 8वें क्लास में पहुँचने 5000 दे 6000 लगेगा, ये कॉपी साली 12000 रुपये का है, सरकारी फ्री है बता रहे, सब फ्री पढ़ रहे हैं। अच्छा इन सब चीजों पे जो है जीएसटी लगा। आप कहाँ रहते हो सर? दिल्ली में रहते हो? इसी में गाजीपुर में रहता हूँ, दिल्ली केजरीवाल ना, तो यूपी में रहता हूँ, ये तो कमाने आया हूँ यहाँ, अगर अगर यहाँ भी मोदी जी आ जाएंगे ना तो जैसे जैसे यूपी में पड़ रहा है कि और चलो आगे कमाने, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ चलेंगे कहेंगे चलो यूपी में कमाने, चलो यूपी में या उत्तराखंड में चलो कमाने, हाँ ये तो कहो सरकार दुई मेर के, और ऐसे सब कहीं होनी चाहिए। अच्छा कौन सी सरकार आए जो आपको लगेगा ये बेहतर है? हमें ये नहीं मतलब है कौन सी सरकार आए, ये मतलब है कि जैसे जनता को दे, जनता खुश है तो जान लो हमारा देश आबाद है। अभी खुश नहीं है जनता? नहीं, कहा मोदी जी अच्छे दिन लेकर आए, कहाँ से वो अच्छे दिन? अच्छे दिन, अच्छे दिन ऐसा ला देंगे ना, ऐसा आ जाएगा एक टाइम में जो ये भी आदमी धक्का मारेगा, वो आ रहा है कहो 1 रुपया मेरे पास पड़ा है उसे ना दे दूं, डॉलर जिसे पब्लिक लोग का राहत मिलेगी, काम रोजगार चलता रहे, रोजगार मिलना कुछ बस और कुछ ना चाहिए, रोजगार अभी नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, खाली है। तुम ये बताओ कितना पढ़े लिखे हो? कितना पढ़े लिखे हो तुम? कितना पढ़े? हम तो बीए कर रखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो जॉब सब्जी अभी काम से गए थे, बैंक गए थे जॉब से, जॉब कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ जो अभी कचड़े में जो कर रहे हो? हम तो यही करता हूँ, देखो मैं यही कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, सब्जी लेने आए गाड़ी चलाते हो? वहाँ ठेली पे नहीं ले सकते जो 10-5 रुपया वो भी पौवा पी का यहाँ सरकार को बस अंड बंड बताओ, बस पौवा पी का संड बंड बताओ, कौन सी सरकार बढ़िया तुम्हारे नहर में? कोई नहीं, कोई नहीं, तो फिर यहाँ क्या? तो मैं बता रहा हूँ कि महंगाई खाली पब्लिक को देखना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कौन सी महंगाई बढ़ गई है? महंगाई कुछ नहीं बढ़ी, तुम्हारी सोच है, मैं कुछ नहीं बढ़ी, बढ़ी है नहीं बढ़ी है,
नहीं बढ़ी नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार कुछ भी हो महंगाई नहीं बढ़ी है, सब कुछ बना हुआ उसी का है, सब कुछ बना हुआ उसी का है, सब कुछ बना हुआ उसी का है। क्या क्या बनाया? जब देश आजाद हुआ था, कहो हाँ देश जब आजाद हुआ था, सुनी हो तो कोई सी एक मिनट अब इनकी बात सुन लो या इधर आओ थोड़ा सा जी बताइए। जब देश आजाद बना आजाद हुआ था कांग्रेस राज में, जब कांग्रेस की राज आई थी तो कौन से हॉस्पिटल थे, कौन से एयरप्लेन थे और कौन से ट्रेन चल रही थी, क्या चल रही थी, सब धीरे धीरे उसी ने तो करा। ठीक है, उनकी सरकार थी, उन्होंने किया। हाँ सरकार होती कोई भी करती। तो अब मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी कर रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अब जब मोदी जी की सरकार सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, नहीं हुआ रे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सब कुछ कर दिया, बस कर दिया। गैस फ्री नहीं मिला, हुआ कहाँ? गैस फ्री नहीं मिला कहाँ? मेरा सिलेंडर के लिए लाइन शादी हो गई। अरे 1,300 रुपये दिल्ली में सिलेंडर है, अभी आज मैंने पर्ची मंगवाया, बताओ त्योहार सब शादी हो गई है, शादी हो गई है, शादी वही तो परेशानी है। तो आदमी थोड़ी भरेगा जुलाई जुला के लिए, शादी करो तभी तो औरत भरेगी। वो शादी कर लिया वही तो परेशान हुआ, अकेले आवाज भी नहीं मिला होगा तुमको। अरे कुछ भी नहीं मिला यार, आवाज भी तभी मिलेगा जब शादी करोगे। अरे कर दो बच्चे, परेशान हूँ। कौन भरेगा अगर पहले इसी सरकार होती तो मैं शादी नहीं करता। फॉर्म कौन भरेगा? मैं भरूंगा जाके। काय का फॉर्म? उज्ज्वला योजना का फॉर्म है, आवास का फॉर्म है, सब कुछ भरा है। योजना का भरा, घंटा भरा है इन्होंने, क्या भरा है दिखाओ, तुम दिखाओ कहाँ भरा है। भरा है ना, कुछ मंगवा लेता हूँ, मंगा सब कुछ मंगवा लेते, आधार कार्ड ले लेके राशन। आप कैसे रह गए कोई? ओ भाई साहब, भाई साहब अपना नंबर दे दो, मुझे राशन कार्ड बनवा दो, मुझे राशन कार्ड बनवा दो। राशन कार्ड कुछ नहीं था पहले, था वो भी राशन नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का यही कहना, घर पे बैठे पियो पौआ और घर पे आए सरकार नौकरी दे, लुगाई दे, बच्चे भी सरकारी दे दे, सब कुछ सरकार दे दे इन लोग को। क्या चीज नहीं भर रहा हूँ बताओ? कौन दिखाओ, टैक्स दे रहा हूँ। कौन सा? 1,47,000 रुपया लगे, गाड़ी मेरी बिक गई, दूसरी पूछ लो जी, सारे लोग।